पीयूष नाम का व्यापारी एक जंगल में पेट्रोल बंक खोला। उस पेट्रोल बंक में जॉब है सोच के त्रिपाठी नाम का व्यक्ति एड्रेस लेकर आ रहा था। पेपर में दिए एड में मैप होने के वजह से उस मैप को देखकर जंगल में इधर उधर भटक रहा था। आखिर में वो उस पेट्रोल बंक में पहुंचा। पैदल चल चल के थक गया त्रिपाठी। पीयूष से, क्या है सर ये पेट्रोल बंक? बोले तो कोई सिटी में, टाउन में, नहीं तो छोटे से गांव में होगा सोचा। आप क्या सर इस घने जंगल में बंक बनाए? यहाँ पे आके पेट्रोल डीजल कौन डलवाएगा सर? तू काम करने के लिए आया या सवाल पूछने के लिए? कोई भी धंधा खोलने से पहले मुनाफे के बारे में 2 साल पहले ही सोचना जरूरी है। इस आजू बाजू के हर गांव में पेट्रोल बंक बहुत हैं। उनके साथ अगर टक्कर लेंगे तो मुनाफा ज्यादा नहीं होगा। जल्दी ही इस जंगल को काट कर हाईटेक सिटी, उसके बगल में एयरपोर्ट खोलने जा रहे हैं, कहकर मुझे MLA का PA ने बताया। इसलिए आगे की सोच रख के यहाँ पे पेट्रोल बंक डाला। वो काम अगर शुरू हुआ तो ट्रक्स, क्रेन, कार, जीप, आखिर में हवाई जहाज तक हमारे ही पेट्रोल बंक में आएंगे। तब हमारा पेट्रोल बंक इस देश में ही नंबर 1 पेट्रोल बंक बनेगा। तब तक धंधे में नुकसान भी होगा तो चलेगा। सर आप मामूली इंसान नहीं है सर, आप तो महान हैं। आपके पास से बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन तब तक मुझे तनख्वाह देंगे ना? तेरे तनख्वाह कहीं नहीं जाएगा। रोज इस बंक को ठीक से धोकर ठीक से साफ करना। मैं हर महीने में एक बार चेक करने आऊंगा, संभाल कर रहना। डर के मारे त्रिपाठी, मतलब सर इस जंगल में मुझे अकेला रहना होगा? अकेला क्यों तू रहेगा, इस जंगल में बहुत सारे जानवर हैं, उनके साथ आराम से खेल कूद कर टाइम पास हो जाएगा, कहकर चला गया। तब त्रिपाठी, क्या हुआ? जंगल के जानवरों के साथ खेलना है, कूदना है तो टाइम पास होगा, पैसों के लिए आके यहाँ पे फंस गया। क्या करे, काम भी तो जरूरी है, सब मेरी फूटी किस्मत है, सोचा। 1 महीने के बाद पीयूष आया। क्यों रे, सब ठीक ठाक है ना? तुझे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तू इस जंगल में मस्त एंजॉय कर रहा है। एंजॉय क्या, मैं खाक करूंगा साहब। यहाँ पे रोज बाघ और शेर आकर पेट्रोल की खुशबू सूंघ कर यहाँ पे पेशाब करके जा रहे हैं। उन्हें देखकर मेरा भी पेशाब निकल रहा है। अरे वो देखिए, शेर आ रहा है। शेर को देखकर पीयूष कार के अंदर जाके बैठ गया। वैसे 1 साल बीत गया। एक बार पीयूष उदास होकर पेट्रोल बंक में आया। तब पीयूष त्रिपाठी से, सब कुछ खत्म हो गया रे, वो पीए मेरे पास 10 लाख हड़प के झूठा इन्फॉर्मेशन दिया। यहाँ पे कोई IT पार्क, एयरपोर्ट वगैरह कुछ भी नहीं खुल रहे। मेरे पास जितना भी पैसे थे वो सब इस पेट्रोल बंक में डाल दिया। अब इसे खरीदने वाला भी कोई नहीं होगा। अब मैं और मेरा परिवार सड़क पे आ जाएंगे। त्रिपाठी को पीयूष को देखकर बहुत बुरा लगा। मुझे बहुत दिनों से एक ख्याल था, पेट्रोल डीजल का हम होम डिलीवरी कर सकते हैं। वैसे बहुत लोग उनके बाइक कार में अचानक पेट्रोल खत्म हो जाने के वजह से परेशान होते हैं। वैसे लोगों को वो जहाँ पे रहेंगे वहाँ पे जाके पेट्रोल डीजल मार सकते हैं। इसके लिए ज्यादा पैसा खर्चा भी नहीं होगा। मुझे एक रिक्शा, एक ड्रम खरीद के दे दीजिए बस। पीयूष को आइडिया पसंद आया। अगले दिन से त्रिपाठी पेट्रोल बंक से उस रिक्शा में जो ड्रम है उसमें पेट्रोल डाला। आजू बाजू के गांव में जाकर, पेट्रोल बाबू, पेट्रोल, आप लोगों को पेट्रोल के लिए ज्यादा दूर जाने की कोई जरूरी नहीं है। आपके घर पे आके पेट्रोल मार के आप जहाँ पे हैं वहीं पे आके पेट्रोल मारेंगे। मिलावट कुछ भी नहीं है, 1 रुपया भी ज्यादा नहीं लेंगे। बहुत लोगों को वो आइडिया पसंद आकर बाइक्स में, कार्स में पेट्रोल डालना शुरू किए। जल्दी पीयूष एक ऐप तैयार किया। लोग उस ऐप में अपना लोकेशन डालते ही बस वो जाके उनके रहे जगह पे जाके पेट्रोल डीजल मारा करता था। कुछ दिनों में ही पीयूष का व्यापार बहुत बढ़ गया, मुनाफा भी आने लगा। एक दिन पीयूष त्रिपाठी से, तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता, मैं अपने मुनाफे में से 20% तुम्हें दूंगा।
त्रिपाठी बहुत खुश हुआ। उसका नाम जगजीवन है। वो एक मछुआरा था। हर दिन सुबह समुद्र में जाकर जाल से मछली पकड़ता था। जो भी मछलियां वो लेकर आता था वो अपनी पत्नी सुमालता को देता था और वो गली गली घूमकर मछली ले लो माँ मछली पुकारते हुए बेचती थी। एक दिन सुमालता अपने पति जगजीवन से, ओ जी हर दिन ऐसे 10-15 मछली कम पड़ रहे हैं, जरा से ज्यादा लेकर आइए। हाँ तुम जो बोल रही हो वो सही है, लेकिन मेरे उम्र के अनुसार इससे ज्यादा मछली नहीं पकड़ सकता हूँ, और मछली अगर ज्यादा पकड़ भी लिया मेरे ताकत के हिसाब से मैं इससे ज्यादा मछली उठा नहीं पाऊंगा, समझो, कहकर चले गया। अगले दिन हर रोज की तरह सुमालता मछली ले लो मछली कहते हुए गली गली में जब घूम रही थी, तब एक चाय की दुकान के पास रेडियो पर मौसम की सूचना, बे ऑफ बंगाल में तूफान की वजह से समुद्र में तेज लहरों की संभावना है, मछुआरों को आदेश है कि कोई समुद्र में ना जाए, कहते हुए चेतावनी सुनाई दी। ये सुनते ही सुमलता तेजी से समुद्र की तरफ दौड़ पड़ी। वहां सारे लोग किनारे पर आ गए लेकिन जगजीवन लौट कर नहीं आया। सुमलता एक मछुआरे से, श्रीमान मेरे पति अभी तक लौट कर नहीं आए, कहीं देखा है क्या? बहन आज किसी भी हाल में ज्यादा मछली पकड़ना है सोचकर वो समंदर में काफी आगे तक गया, हम जब लौट रहे थे तो वो नहीं दिखा, कहकर चला गया। सुमालता बहुत परेशान हो गई। दूसरी तरफ नाव में जगजीवन, हे भगवान ये क्या परेशानी है, अगर मैं घर खाली हाथ गया तो पेट नहीं भरेगा, और यहाँ ज्यादा देर रहा तो खतरे से खाली नहीं है, भगवान अब आपके भरोसे। ऐसे सोच ही रहा था कि जाल में कुछ भारी सा फंसा। आहा कुछ बहुत भारी सा हाथ लगा है, सोचकर उसको उठाने की बहुत कोशिश करने के बाद भी वो बाहर नहीं निकला और उसके भार से जगजीवन पानी में गिर गया। इतने में एक जलपरी उसे उठाकर नाव में रखी और, बेटा कौन हो तुम, इतनी बड़ी दुर्घटना में ये काम क्यों कर रहे हो? माँ मेरा नाम जगजीवन है, मैं हर दिन अगर मछली ना पकड़ूं तो मेरा घर नहीं चलता, अगर आज मैं घर खाली हाथ गया तो मेरी पत्नी को भूखे पेट सोना पड़ेगा, इसीलिए मेरे पास और कोई चारा नहीं था। बेटा तुम्हारे परिवार की देखभाल के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, ये लो मैं तुम्हारे नाव को जादुई नाव बना रही हूँ, जब भी तुम्हें मछलियों की जरूरत पड़े तो ये जगह पर आकर ये मंत्र दोहराना तो मछलियों की बरसात होगी, और वापस अगर वही मंत्र दोहराओगे तो मछलियों की बरसात बंद हो जाएगी, लेकिन ध्यान रहे अगर लालच करोगे तो बुरा होगा, कहकर चली गई। जगजीवन तब वो मंत्र को दोहराया, बस फिर मछलियों की बारिश हो गई, फिर ढेर सारी मछलियां उसका नाव भर दी। वो फिर से मंत्र दोहराया तब मछलियों की बारिश रुक गई। जब वो समुन्द्र के किनारे पहुंचा उसे देखकर सुमलता बहुत खुश हुई। मछलियों से बड़ा नाव देखकर वो हैरान रह गई। क्या जी आज इतने सारे मछलियां लेकर आए? जगजीवन जो हुआ उसे बताया। अब से हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी, हमें दुखी होने की जरूरत नहीं है। इस तरह कुछ ही समय में जगजीवन बहुत अमीर हो गया। सुमलता एक बार एक घर पर गई। वहाँ एक औरत, क्यों रे सुमा बहुत समय से देख रहे, आप लोग बस कुछ ही समय में बहुत अमीर हो गए हो, जैसे कि हाथ में कोई मंत्र लगा हो, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? सब उस जलपरी की महिमा है, कहते हुए उसे मंत्र के बारे में सब बताई। उस रात वो औरत अपने पति से, ओ जी ये क्या आपने सुना है, सुमलता को एक जलपरी ने एक मंत्र बताया, वो मंत्र को दोहराने से मछलियों की बारिश होगी, कहते हुए उसे वो मंत्र बोली। अगले दिन वो समुद्र में जाकर वो मंत्र को दोहराया तो तेजी से मछलियों की बारिश हुई। आहा ओहो आज मेरी किस्मत खुल गई, मैं भी अब बहुत अमीर होने वाला हूँ, आने दो कहते हुए यूं जोर से कहने लगा। नाव मछलियों से भर गया, उसके भार से नाव डूबने लगी। तब वो, अरे 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 अब ये मछलियों की बारिश को रोकूं कैसे? इतने में वो नाव मछलियों के भार को सह नहीं पाया और डूब गया। राइस बैग डोनेशन, उसका नाम रघुनंदन था, वो एक बहुत बड़ा दगेबाज था, वो एक एक गांव में एक एक तरह से दगा करते हुए जीवन बिताता था।
एक बार रघुनंदन एक गांव में आया। वहां उस गांव में जिधर भी देखो चारों तरफ उसे राइस मिल्स के फैक्ट्रीज दिखाई दिए। रघुनंदन तभी, अरे वाह, इस गांव में जहां भी देखो राइस मिल्स, गोदाम, वो मतलब यहां पे चावल का फसल अच्छा होता है, सोच के एक घर में आया। वहां पे एक औरत से, माँ जी मेरा नाम रघु है, मैं एक वृद्धाश्रम चला रहा हूँ, आप कृपा करके हमें चावल दान में अगर देंगे तो आश्रम के बड़े बुजुर्गों को एक पहर खाना खिला सकता हूँ। अरे बेटा कितना अच्छा काम कर रहा है, लगभग कितने बुजुर्ग होंगे तुम्हारे आश्रम में? पूछी तो रघु, आसपास के गांव से कुछ लोग, विदेश से आए कुछ लोग, कुल मिला के 30 लोग होंगे माँ। अच्छा वैसा क्या, ये लो 1000 रुपए। कहकर पैसे जब देने लगी तो रघु, माँ क्षमा करो, मैं पैसे नहीं लूंगा, पैसे के बदले एक बड़ा राइस बैग डोनेट कीजिए ना, कहा तो वो औरत, बहुत अच्छी सोच है बेटा, कल आके मिलना, मैं तुम्हें राइस बैग दूंगी, बोली। तो रघु ठीक है बोल के वहां से चला गया। वैसे रघु घर घर जाके राइस बैग डोनेट करने के लिए बोला। अगले दिन उन राइस बैग्स को एक लॉरी में चढ़ा के शहर जाके एक बड़े मार्केट यार्ड में जाके, हाँ चावल भाई, चावल HMT चावल, कर्नूल सोना मसूरी चावल, बाबू आइए आइए, कहकर चिल्लाने लगा। उस दिन शाम को लॉरी में रहे सारे चावल को बेच के पैसे गिनते हुए, अरे वाह कलेक्शन तो जबरदस्त है, ये आइडिया तो लाभदायक है, अब की बार आजू बाजू के गांव में भी राइस बैग्स को पूछेंगे। अगले दिन पड़ोस के गांव में एक जगह पे, साहब मैं वृद्धाश्रम चला रहा हूँ, उनका पालन पोषण करने के लिए बाजू के गांव के ग्रामवासी राइस बैग डोनेट किए, आप भी आपके मुताबिक जितना हो सके उतना राइस बैग डोनेट कीजिए, अन्नदाता सुखी भवा, आप जैसे लोगों की अगर हम मदद नहीं करेंगे तो किसे मदद करेंगे, मेरे परिवार के तरफ से राइस बैग्स 4 दूंगा, कहा। तो रघु इस बार 2 लॉरी भर के राइस बैग्स जुगाड़ किया, गांव के बाहर एक छोटा सा गोदाम भी भाड़े पे लिया, उसमें राइस बैग्स को स्टॉक किया। एक बार रघु एक लॉरी ड्राइवर को फोन करते हुए, क्यों रे राइस बैग कलेक्शन कैसे हो रहा है? कलेक्शन जबरदस्त है, कल सुबह तक पूरा माल बिक जाएगा, मैं हमारे गोदाम को कल वापस आ जाऊंगा शाम तक, कहा। तो रघु, संभल के भाई पुलिस होंगे, मैं आज रात गोदाम में ही रुकूंगा, कह के फोन रख दिया। उतने में एक पुलिस जीप में से SI माइक में, ग्रामवासियों सुनो, सरकार के आदेश अनुसार आने वाले 30 दिन लॉकडाउन रहेगा, कोई घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, कृपया सभी घरों में ही रहिए, सब दुकानें, बाजार, बस, ट्रेन, लॉरी, सभी ट्रांसपोर्ट बंद होंगे, उस महामारी बीमारी से लड़ना है तो यही एक रास्ता है। वो बात सुन के रघु चौंक गया, क्या हुआ, लॉकडाउन, कोई बाहर नहीं निकलना चाहिए, लॉरी ट्रेन सर्विसेज सभी बंद पड़ गए, अब मेरी हालत क्या होगी, ऐसे इस गोदाम में लॉक हो गया, ठीक है सुबह उठ के देखते हैं, सोचा। अगले दिन लॉरी ड्राइवर को फोन करके, क्यों भाई किधर हो, शाम तक पहुंच जाओगे बोले थे, कहा। तो ड्राइवर, ओ भाई कैसे आओ, लॉकडाउन बोल रहे, बाहर आने से मार रहे, इसलिए मैं अपना घर चला जाऊंगा, ठीक है पर पैसे तो संभाल के रखा है ना, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए भाई, पैसे सुरक्षित हैं, कहा। कुछ देर जाने के बाद रघु को भूख लगी तो वो चारों तरफ ठीक से ढूंढने पर उसे एक गैस स्टोव दिखाई दिया, तुरंत वहां पे रखे एक राइस बैग को ओपन करके चावल बना के खाया। उतने में एक पुलिस वैन आके, कोई बाहर मत निकलो, आओगे तो मरोगे, कह के चिल्ला रहे थे। रघु, बाप रे, मैं अकेला इस गोदाम में राइस बैग के बीचों फंस गया हूं, ये कभी सोचा नहीं था ऐसा होगा, वैसे 30 दिन बोले तो बाप रे मुझसे नहीं होगा, सोच के वहां से भाग निकलने के लिए गोदाम से बाहर निकला और भागा। उतने में पुलिस वाले उसे देखे और रुकाए, दिन के दोपहर किधर भागे जा रहे हो, पूछा। तो रघु, बाप रे, अभी राइस बैग्स के बारे में बताऊंगा तो जरूर मैं चोर साबित हो जाऊंगा, दरअसल क्या है ना साहब,
सुबह जॉगिंग करना भूल गया, इसलिए अभी मैं जॉगिंग कर रहा हूँ। कहा जॉगिंग कर रहा है मेरे लाल, वो भी कड़ी धूप में। कांस्टेबल थोड़ा दवा पानी खिलाओ इसे। कहा कांस्टेबल एसआई मिलके उसे खूब पीटे। तब रघु सांप सांप मैं चला जाऊंगा, सांप मैं चला जाऊंगा कह के वहां से भाग गया और गोडाउन के ओर निकल गया। अगले दिन रघु, हे भगवान क्या ये परिस्थिति आ गई है, कितने दिन ऐसे खाली भात खाना होगा, कंटाल आ गया है। सोच के लॉरी ड्राइवर को फोन लगाया। क्यों भाई क्या कर रहा है, पूछा। चिकन करी खा रहा हूं भैया, मस्ते करी, मैं अपने पत्नी और बच्चों के साथ एंजॉय कर रहा हूं भैया। कहा तो रघु, चिकन करी खा रहा है मेरे लाल, खा खा बेटा खा। कहा तो लॉरी ड्राइवर, भैया बोलना भूल गया, 30 दिन तक लॉकडाउन है, उतने दिनों तक राइस बैग गोदाम में रुकने से ठीक नहीं होगा, कीड़े लग जाएंगे, संभाल कर। कहा तो रघु फोन कट करके, ऐसी हालत में राइस बस्ता बेचना मुमकिन नहीं है, और दूसरी ओर ज्यादा दिन ऐसे रखने से खराब हो जाएंगे, और मैं यहीं पे फंस गया हूँ, क्या करना होगा, कहते हुए गहरी सोच में गिर गया। अगले दिन रघु एक एसआई के पास जाकर, सर मेरा नाम रघुनंदन है, इस लॉकडाउन के कारण बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं फंसे होंगे, और रोजी मजदूरी करने वाले तो बहुत सारे मजदूरों को खाना तक नसीब नहीं होगा, इसलिए मैं उन्हें अपने राइस बैग डोनेट करना चाहता हूं। कहा तो एसआई, सोच तुम्हारी अच्छी है, पर वो लगभग 1000 के ऊपर होंगे। कहा तो रघु, ठीक है सर चलेगा, मैं उन सबको राइस बैग डोनेट करूंगा। कहा वो बातें सुनके एसआई, ग्रेट सर, परमिशन ग्रांटेड। कहा वैसे रघु लोगों से लूटे हुए राइस बैग सभी फिर लौटा के लोगों को ही दान में दे दिया। तब रघु, अब जिंदगी में ऐसी गलतियां नहीं करूंगा, सोचा।